देखिए हमारी भी सूजी की बर्फी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है ये। नमस्कार, रीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके लिए क्या क्या लिया है। सूजी की बर्फी के लिए मैंने हाफ कटोरी घी लिया है, एक कटोरी सूजी ली है, रे 4-5 मैंने बादाम लिए हैं, 2 चम्मच मैंने नारियल का पिसा हुआ ये पाउडर लिया है, 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और ये 6-7 मैंने लिए पिस्ता। तो चलिए पहले हम अपनी सूजी को भून लेते हैं। कढ़ाई ली है, इसमें डाल लेते हैं अपना घी और घी को हम गर्म कर लेते हैं कि घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम अपनी सूजी डाल देते हैं और सूजी को हम हल्का हल्का भून लेते हैं। ये देखिए सूजी हमारी भुन गई है, हमने इनको हल्का हल्का ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसमें हम ये अपना नारियल का पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। ये एक पैन लिया है, इसमें हम अपनी चीनी डाल लेते हैं और चीनी को हम इसमें धीमी गैस पे मेल्ट कर लेते हैं। इसको धीमी गैस पे बस चलाते रहना है, ये अपने आप मेल्ट होती रहेगी। इसका कलर भी चेंज हो जाता है जब ये मेल्ट होती है तब। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसने कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब इसमें हम अपने वो डाल देते हैं, ये भुनी हुई सूजी जो हमने भुनी थी अभी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को कर देते हैं बंद और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इससे हमारी मिठाई का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको बस अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये मैंने थाली ली है, अब इसमें ब्रश से हम चारों तरफ ये घी लगा लेते हैं ताकि हम अपने इस सूजी को डालेंगे तो ये इसके चिपकेगी ना है, हम अपने पीसीज काटें तो वो आसानी से निकल जाएंगे। देखिए इसको चारों तरफ से अच्छे से घी से ब्रश से अब घी को फैला लें। थाली में डाल देंगे हम अपने ये भुनी हुई सूजी। और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए इसको थाली में अच्छे से फैला लिया है, अब इसमें डाल देते हैं चॉप किए हुए बादाम, इसको भी अच्छे से फैला देते हैं और ये चॉप किए हुए पिस्ता, और इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। इनको थोड़ा दबा देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए ये हमारा अच्छे से सेट हो गया मावा, अब इसको हम पीसीज में काट लेते हैं। ये देखिए गाइज हमारी सूजी की बर्फी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है ये, इसको हमने पीसीज में काट लिया है। गाइज ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।